वीडियो में इंडिया कैसे करे, इंडिया कैसे करे। भाई मेरी बात सुनो, आपके चैनल में चेक कर रहा हूँ, ठीक है, हर वीडियो में इंडिया इंडिया इंडिया। अच्छा 205 मुल्कों में न आप लोग जब भी वीडियो बनाते हैं तो इंडिया का जिक्र करता है, तो इंडिया आप लोगों को कुछ देता है कि क्या मसला है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब अच्छे हों। फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो जो है वो डेली स्वैग की है, तो डेली स्वैग के जो रिपोर्टर है मुजम्मिल कुरैशी, जैसे वो पब्लिक के पास गए तो लोग कैसे उनसे लड़ने लगे, जैसे उन्होंने इंडिया के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा तो जो पाकिस्तानी आवाम थी वो कैसे उनसे लड़ने लगी, वो इस वीडियो में हम देखेंगे आज। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को देख लेते हैं, बाद में हम वीडियो के बारे में बात करेंगे। डेली स्वैग की वीडियो है, इनके चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके चेक कर सकते हो आप। चलो वीडियो देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। आर्मी स्ट्रॉन्ग है, क्या हो गया अगर अवाम और सियासतदान चोर है? आर्मी तो स्ट्रॉन्ग है, हम उसकी चीख। मैं एक बात बताता हूँ आपको, 71 में जंग हुई थी, 93,000 फौजियों ने उनके आगे सरेंडर किया था। नहीं सर, अभी वक्त हालात बदल गया, अभी हमारा आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ हमारा मुल्क हालात सियासतदानों की वजह से खराब है। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये कह रहे हैं कि मुकाबला नहीं कर सकते हम उनका, वो उनकी मैशत बहुत ज्यादा कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? जवाब दें। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में सिर्फ पठान होगा ना तो सिर्फ पठान भी इंडिया के लिए काफी है। जंग जरूरी करनी है, जंग करनी तो इलम में करें, जंग करनी है तो आप मैशत भी करें ना। उन्हें कहो कि भाई आओ जंग करते, मैशत कौन ज्यादा अपनी स्ट्रॉन्ग करता, कौन ज्यादा अपनी मैशत आगे बढ़ाता, यहाँ पर खाने को रोटी नहीं, आप जंग करेंगे जाकर। अच्छी और बुरे वक्त आता है, ठीक है, बस हम अच्छा वक्त थोड़ा सा इंतजार सब्र करेंगे। आप बताए अच्छा वक्त कब आएगा? अच्छा वक्त मरने के बाद ही आएगा भाई। अच्छा वक्त कब आएगा अंकल? अच्छा वक्त है, रोटी खा रहे हैं, कौन कह रहा है रोटी नहीं खा रहे भाई, सब लोग खाली रोटी खाना आपको लगता है कि अचीवमेंट है? खाली रोटी खाना आने वाले इतना मुश्किलात हो गई है, अब बात सुने इतना मुश्किलात हो गई है, अभी रोटी खाना भी मुश्किल है, आने वाले 10 सालों बाद तो रोटी भी नहीं मिलेगी इन्हें, फिर क्या करेंगे? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, पहले हमें खुद को भाई। अच्छा वक्त आ रहा है, ठीक है, कब आ रहा, कहाँ से आ रहा, मुझे दिखाएं किधर है। जब अच्छा वक्त तब आएगा जब इंशाल्लाह हमारा आर्मी चीफ और इमरान खान साहब बैठकर एक हो जाए, आर्मी चीफ और इमरान खान एक हो जाए, बस अच्छा वक्त है। अगर आज वो दोनों बैठ गया ना एक टेबल पे तो आज से अच्छा वक्त शुरू है, बस सिर्फ इन दोनों का थोड़ा सा ना है बैठना और सिटिंग करना है। बोली अवाम है गाइस, इन्हें पता ही नहीं है कि क्या अंदर खाते में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। आप मुझे बताएं, 76 साल हो गए सर, 76 सालों से ये हालात हैं, इसको बदलने के लिए क्या किया हमने? मेरी बात सुनो, 76 साल में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से अच्छा कार है, अच्छा कार, हाँ इंडिया से अच्छा। 100 बिलियन डॉलर्स उनके पास अपने हैं, हमने भीख के लिए हुए वो भी 7-8 बिलियन डॉलर। सुनो, ये जो पहले हमारे पाकिस्तान से एक लड़की चला गया, सीमा हैदर का हालात देखो, अभी भी वो अपनी मियाँ के साथ दिहाड़ी कर रहा है, और जो हमने वो काम करेगी वो गरीब गरीब करके गई, मैं गई तो काम तो करके खाना पड़ेगा। नहीं, जब उनकी लड़की हमारे मुल्क आ गया ना तो उसका हालात देखो, हमने इधर उसको हीरो स्टार बना दिया, टिकटॉक स्टार, वो सिर्फ टिकटॉक ही बना रहे, इंजॉय कर रहे, उसका भी हालात चेक करो, हमारा सीमा हैदर का भी चेक करो। एक बंदे का मुकाबला नहीं ना कर सकते आप पूरी इकोनॉमी? अब आप मुझे बताएं उनकी उनकी आबादी कितनी है? 1 अरब 40 करोड़। हाँ 1 अरब, वो अपने 1 अरब 40 करोड़ आबादी को खिला रहे हैं, अपने आबादी को संभाल रहे हैं, हमसे यहाँ पर 22 करोड़ नहीं संभाले जा रहे। ये तो हमारे सियासतदानों की वजह से ना, हमारी करेंसी इतनी डाउन है, की है ना हमने डाउन, जब आजादी के वक्त बराबर थे हम, अब वो उन्होंने अपने आप को, हमारी करेंसी उनसे हाई थी, अब हम सबसे लो हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं खान से, क्या इनकी बातों से इतफाक करते हैं? यार इतफाक तो हम नहीं करने का, हम इतफाक नहीं करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा? बस ये वजह है भाई, अल्लाह नाराज है, हम कोशिश करेगा भाई, नमाज पढ़ेगा, हाँ अल्लाह से दुआ मान लेगा तो कबूल करने हर वक्त, बस हमारा कमजोरी है भाई, हम कोशिश करना पड़ेगा बस, इंशाल्लाह अल्लाह राजी होगा तो हालात बिल्कुल सही सही फैसला ले आएगा। क्या कहेंगे? नमाजों से भी कुछ नहीं होता, ठीक है, नमाजों से कुछ नहीं होता जब तक हमारा आर्मी कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है नमाज से भी कुछ नहीं होता, नमाज से यकीन नहीं ना हमारे, यकीन नहीं अल्लाह पे पुख्ता ईमान, यकीन कब्रिस्तान में पूछेगा अल्लाह पाक, नमाज से निकलेगा सारे नतीजे। मुझे ये इनकी इनका कहने का पर्पस समझे कि खाली हम नमाज भी तो नहीं ना पढ़ रहे ना, पूरे इस्लाम में ना पूरे मुसलमान है ना पूरे हम कोई इस कोई चीज को, सहाबा ने 2 रकात नमाज पढ़ता था, मर्सली जो ने जिंदा हो गया ना,
हाँ, दो रकात नमाज पढ़ा करो, अल्लाह से दुआ मांग लो। क्या कहेंगे? देखो मेरी बात सुनो, इस तरह नहीं है कि आप नमाज पढ़ते रहो, आप क्यों नहीं कमरे से बाहर ही नहीं निकलो, नमाज पढ़ते रहो, आपको नहीं रोजी उधर कमरे में आता रहे, इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता। बरकत करनी पड़ती है, बरकत अल्लाह पाक बोल रहे, आपने हरकत आपने करना है, बाकी बरकत मैंने डालना है। तो ये इस तरह नहीं होता कि बस नमाज हम सारे बस बैठ जाते नमाज पढ़ते रहेंगे और राशन आता रहे, इस तरह नहीं हो सकता। पहले ये बात गलत किया जो है, नमाज की पहले हाँ ये बात आपने गलत किया, लेकिन दोनों ठाप करो, दुनिया भी ठाप करो, आखिरत भी ठाप करो, आपका नतीजा इंशाल्लाह जरूर सही। दोनों मेरी बात सुनो, हरकत करना पड़ता है, अल्लाह पाक ने आपको बोला है कि हरकत करो, हरकत में बरकत वो डालता है। अच्छा हो जाएगा ना, तो मुझे बताएं, खाली नमाज पढ़ते रहेंगे, इनकी बात सुने, खाली आप नमाज पढ़ते रहेंगे, दुनियावी काम में कोई 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 हरकत नहीं करेंगे आप? फॉर एग्जांपल के टेक्नोलॉजी में बात कर ले, हम अगर टेक्नोलॉजी गाड़ियां भी दूसरों मुल्कों से ला रहे हैं, बिजली भी हमें दूसरी कोई कंपनियां अगर बना कर दे रही है, सबसे महंगी बिजली है, अगर हम नमाज खाली पढ़ते रहेंगे, बिजली बनाएंगे नहीं तो महंगी ही होगी, क्या समझते हैं? इसका जवाब दें मुझे यार। कोशिश करो इंशाल्लाह, हम भी कोशिश करेंगे, आप भी करो, सब कोशिश करो भाई, दुनिया आखिरत दोनों टॉप करो, हमारा तो यही पैगाम है। हालात मेरी बात सुनो, हमारे मुल्क के हालात, लोग सारे आवाम जो है ना, इमरान खान चीख मार रहे, हमने भी मार रहा है, तो ये जो है ना एक इमरान खान का भी काम नहीं है। तो ये आप मुझे बताओ, तुम तो मुझे इस बात का जवाब दे दो ना, दुनिया में कितने मुल्क है? दुनिया में 205 205 अच्छा 205 मुल्कों में न, आप लोग जब भी वीडियो बनाते हैं तो इंडिया का जिक्र करता है, तो इंडिया आप लोगों को कुछ देता है कि क्या मसला है? अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने आजादी किसे ली है? थोड़ा सा आगे आपने आजादी किसे ली? नहीं, आजादी को छोड़ो, इंडिया तुम आप लोग हम हालात हालात बेहतर करना चाह रहे हैं ना, जो जो बीच में रंजिशे हैं आप जैसे लोग। अब मैं बात सुन लो, मुल्क का हालात न, मेरी बात सुनो, हमारा बदनामी आप लोगों जैसे मीडिया जैसे आप लोग बाकी इंडिया का अच्छा कर रहा है, पाकिस्तान का बुराई कर रहा है। मुझे यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, ओए यार सुन लो, यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, मुझे बताएं कि कहाँ पर मैंने अपना मुल्क का इमेज, मैं चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ, ओ भाई हालात बेहतर हो, ओ हालात बेहतर करो। नहीं, हालात हालात किस तरह बेहतर हो जाएगा कि आप लोग पाकिस्तान हालात बेहतर, आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के साथ हालात बेहतर हो? नहीं, मेरे नहीं चाहते, हो ही नहीं सकते। आप चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ हालात बेहतर? बिल्कुल नहीं चाहते। उसके साथ हमारा बनता नहीं है, वो कश्मीर में हमारे बहन भाइयों पे जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है। हाँ, वो उसके साथ हमारा बनता ही नहीं। सुन लो ना, सुन लो आपने कहा पहले, यार आप मेरी सुनोगे नहीं, आप मेरी सुनोगे नहीं, आप अपनी सुनाई जाओगे तो बात कैसे होगी? मुझे बात बताए, आपने कहा कि आप हिंदुस्तान की तारीफ करते हो, जो फैक्ट्स हैं आप मेरा चैनल उठा के दे लें, फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूं मैं। आपको अगर बुरी लगती है, अगर हिंदुस्तान में कहूं कि दुनिया में तरक्की कर रहा है, अगर आपको बात बुरी लगती है तो आप भी तरक्की करो। आप मुझे बताओ कि क्या ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करूं? अच्छा, यहां पर यार भाई सुन लो ना, मेरी बात सुनो, मैं आपका चैनल सुन, अरे वीडियो में इंडिया का जिक्र, इंडिया का जिक्र भाई, मेरी बात सुनो, आपके चैनल में चेक कर रहा हूँ, ठीक है, हर वीडियो में इंडिया इंडिया इंडिया, गलत है कोई? नहीं, मेरी बात सुनो, तो गलत कर रहा हूँ, दुनिया में और मुल्क भी है ना, तो आप गलत कर रहे हो इंडिया। अब मेरी बात, हाँ जी, मुझे मैं जानता हूँ, पहले भी बात हो चुकी है उनसे, मेरी पहले भी बात हुई है। अब मेरी बात सुने, 75 साल हो गए हैं, 76 साल हो गए हैं, हमने इस मुल्क को क्या दिया? आप 85% डिफेंस को दे रहे हैं, आज हिंदुस्तान के साथ हमारे हालात बेहतर हो जाते हैं, सुलहनामा पे साइन कर लेते हैं, हम इत्तेफाक पे टेबल पे बैठ जाते हैं, तो डिफेंस के जो पैसे हैं गरीब खाने पे लगा देगी, जो बिजली के बिल आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मेरा मकसद ये है अवाम को शऊर दिलाना, मेरा मकसद ये नहीं कि भाई अगर मैं भी आपको यहाँ पर कहूँ कि आओ भाई हिंदुस्तान को जंग करते हैं, यहाँ पर मुर्दाबाद के नारे मैं लगाऊंगा, आप भी खुश हो जाएंगे, सारे खुश हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं पीस की बात कर रहा हूँ, अमन की बात कर रहा हूँ, आपको भी नहीं अच्छा लग रहा, आपको भी नहीं अच्छा लग रहा, आपको भी नहीं अच्छा लग रहा, मेरा भाई जो हम अच्छा जरूर लगेगा, अच्छा बात करेगा, तो इसकी बात करना, इत्तेफाक की बात करना, जोड़ना गलत बात। इत्तेफाक भाई इसमें यही होते, अब किसी की गइबत ना करो, बताया था कि अच्छे और बुरे वक्त आ रहा है, ये शुरू से इस तरह नहीं है, इनसे इत्तेफाक करते हैं, इनकी बात से मानते हैं, इनकी बात हम क्या कर ले यार, इत्तेफाक तो हमारा इसमें तो मेरा भाई नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है। क्या आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं, इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं जो ये खान साहब कर रहे हैं? खान साहब ने जो भी गल की है ना, उन्हें उर्दू खान साहब ने जो भी बात की है ना, वो छलियां तो सिटे भुनने वाली की है, वह आम नू भुनी जा रहा वेच ही, उन्होंने ये नहीं पता मैं कहना की दसना की तो अगला की कह रहा है, वो इंडिया रोंदते फिरते पहले जिते खलोते जे उन्होंने तो वेखो की गल हैगी, ठीक है, जिनी देर
मालक नौकर आपस च पैचअप नहीं ना है रब के नाल उनके रसूल के नाल उनके मनन वाले के नाल तुहाडा किसी का कुछ नहीं बनना जिन्हों मर्जी में मुसलमान मुल्कों ने भी छोड़ दिया हर मुल्कों ने। तो फ्रेंड्स ये थी पाकिस्तानी आवाम कुछ एक नंबर के जाहिल तेन में, जिस तरह से उनने इंडिया की बात करी तो एंकर से लड़ने लगा कि तुम सारी वीडियोस इंडिया के ऊपर ही बनाते हो, तो इंडिया के ऊपर बना तो अच्छी बात है ना, वो एक पॉजिटिविटी में बना रहा है, एक पॉजिटिविटी फैला रहा है। वो कह रहा है कि डिफेंस में इतना ज़्यादा खर्च करती है पाकिस्तान, अगर हम किसी से जंग नहीं करेंगे, इंडिया से अपने ताल्लुक अच्छे रखेंगे तो वो हमारा पैसा काम आएगा। तो ये चीज़ कह रहा था एंकर को, तो बहुत अच्छी बात की उन्होंने, बहुत लंबी वीडियो थी। वीडियो जो एंकर हैं ये मुज़म्मिल कुरैशी, इनका नाम, बहुत अमेजिंग वीडियोज़ ये बनाते हैं, पब्लिक के बीच में आते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक को जो है रियलिटी चेक कराते हैं, उनको बताते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है और हमें जो अपने हैं पड़ोसियों से जो है ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, वो चीज़ वो बताते हैं। तो वो चीज़ पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी रास नहीं आती। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मुज़म्मिल कुरैशी इनका नाम है और डेली स्वैग इनके चैनल का नाम है, तो बहुत अमेजिंग वीडियोज ये बनाते हैं। तो इनके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो है, अगर आप इसको पूरा देखना चाहते हो तो लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जाके इसको पूरी देख लेना और इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वीडियो इन्हीं की है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बहुत सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।